Hola guys, bienvenidas, mi nombre es Saloni. You are thinking now what I am saying, but actually this video is related to that. Actually, मेको एक हिंदी इंग्लिश के अलावा स्पेनिश बोलना भी आता है, काफ़ी हद तक आता है. स्पेनिश खुद में ही इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटिफुल सी लैंग्वेज है, क्यों ना आपको भी थोड़े वर्ड्स तो आने ही चाहिए स्पेनिश के. फॉर एग्जाम्पल, जो हम डेली यूज़ लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लाइक दैट, तो कुछ वर्ड्स तो आने ही चाहिए. और एक नई लैंग्वेज का कुछ छोटा सा भी, थोड़ा बहुत भी आना, इस बात होती है कि आपको एक न्यू लैंग्वेज आपको आती है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन बोलना तो आता है एटलीस्ट. एक्चुअली स्पैनिश में सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका एक्सेंट. स्पैनिश का एक्सेंट ही अपने आप में इतना प्यारा, इतना कूल एक्सेंट है. एक्सेंट की वजह से वो इतनी प्यारी लैंग्वेज है कि मैं क्या ही बोलूँ अब. तो मैंने भी अभी यूट्यूब से ही सीखी थी, जब मैंने स्पैनिश बोलना सीखा था, तो मैंने सोचा मेरे आप फ्रेंड्स हो, मेरे व्यूअर्स हो, तो आपको थोड़ी बहुत स्पैनिश तो आनी ही चाहिए. यहाँ पे इसलिए छोड़ रखा है कि आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा जो मैं आपको बता रही हूँ या सिखा रही हूँ, एज यू कैन से दैट. तो अभी स्टार्ट करते हैं नॉर्मल से. पहली बार हाय एंड हेलो, जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है उनको हम ग्रीट करें, हाय हेलो टाइप्स बोलें. तो हाय और हेलो स्पैनिश में बोला जाता है होला. ये लिखा जाता होला है, लेकिन बोला जाता है ओला. तो हेलो इज प्रोनाउंस्ड एज ओला. ओला गाइस. नेक्स्ट वर्ड इज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट. तो गुड मॉर्निंग इज नोन एज ब्यूनियास डियास, गुड आफ्टरनून इज बोनियास टार्डिस. इट्स नॉट टार्डिस, इज टार्डिस. तो मैंने आपको बताया स्पैनिश का एक्सेंट ही एक अलग है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा. तो ब्यूनियास टार्डिस एंड गुड नाइट इज ब्यूनियास नोचिस. सो एक बार इन वर्ड्स को खुद बोलकर देखो, लाइक ब्यूनियास डियास, ब्यूनियास टार्डिस, ब्यूनियास नोचिस. हाँ जी, अब आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो हो जाएगा. एक दो बार बोल के देखो, देन यू विल. तो अब हम नेक्स्ट, जैसे कि वेलकम. जब आपके पास कोई आता है, आपके घर पर कोई आता है, तो आप उसको सबसे पहले वेलकम बोलते हो, वेलकम टू आवर होम्स, लाइक दैट. तो वेलकम इज प्रोनाउंस्ड एज बीएन वेनिदास. तो वेलकम इज प्रोनाउंस्ड एज बीएन वेनिदास, बीएन वेनिदास. हाँ जी, बीएन वेनिदास. So now moving on to the next word, that is please. अगर आप किसी से फेवर लेना होता है आपको, फॉर फेवर इट इज़ प्लीज. तो इसका जो प्रोनंसिएशन है, जो स्पेनिश में बोला जाता है, वो बहुत ही इससे मिलता जुलता है. लाइक फॉर फेवर, तो इट इज़ नोन एज पार फेवर, पार फेवर, यस, पार फेवर. नेक्स्ट वर्ड इज फाइन, लाइक आई एम फाइन टाइप्स वाला फाइन. सो फाइन इज प्रोनाउंस्ड एज बी एन, बी एन. इट्स अ वेरी क्यूट छोटा सा वर्ड, बी एन. ओके, नेक्स्ट इज थैंक यू. थैंक यू इज नोन एज ग्रेसियस, ग्रेसियस. वही आपको एक एक्सेंट लाना पड़ेगा ये वर्ड्स बोलने के लिए, वरना नॉर्मल इंग्लिश में ये ग्रेसियस लाइक ऐसे वर्ड्स होते हैं, बट और एक्सेंट की वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लाइक ग्रेसियस. सो अब मेको मैंने सीखी है स्पैनिश, इसलिए मेरा एक्सेंट वो है. तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इट विल. तो ये हो गया थैंक यू. अब आप रिटर्न में आपको यू आर वेलकम बोलना पड़ेगा, यू आर वेलकम. तो यू आर वेलकम के लिए हम बोलते हैं दिनादा, दिनादा इज योर वेलकम. नेक्स्ट वी विल्स लाइक सॉरी ले लेते हैं. सॉरी इज अ वेरी कॉमन वर्ड. तो सॉरी मुझे बड़ा, मतलब सॉरी बहुत कूल लगता है स्पैनिश. सॉरी इज़ वेरी कूल एंड इट इज़ प्रोनाउंस एज लोसेंटियो, लोसेंटियो. खुद पे इतना प्यारा से कोई भी आपको माफ कर देगा, लोसेंटियो. ओके, मूविंग ऑन, यस. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. जब आप किसी से आपका बात हो रही है, तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ यही होगी कि आप उसको अपना नाम बताओगे, आप उससे अपना नाम पूछोगे, उसका नाम पूछोगे, आई मीन. तो उसका नाम पूछने के लिए इट मीन्स व्हाट इज़ योर नेम. तो यू विल से इस क्वाल इस तू नोम्ब्रे, व्हाट इस क्वाल इस योर तू नेम नोम्ब्रे, क्वाल इस तू नोम्ब्रे. एंड इन रिप्लाई, लाइक माय नेम इज सलोनी, सो आई विल से मी नोम्ब्रे इज सलोनी, मी नोम्ब्रे इज सलोनी, यस. सो दिस इज माय नेम इज सिंपल. तो
जब आपकी कॉन्वर्सेशन चली रही है तो अब आप जब उसको बाय बोलोगे तो आप उसको एक कॉम्प्लीमेंट क्या, आप एक लाइन बोलते हो नॉर्मली, दैट इज नाइस टू मीट यू. तो नाइस टू मीट यू इज प्रोनाउंस एज मुचो गुस्तो, मुचो गुस्तो. तो इट इज़ नाइस टू मीट यू, दैट्स इट. आई डोंट थिंक कि और कोई ज़्यादा कॉमन वर्ड्स. अगर आप जानना चाहते हो किसी वर्ड को क्या प्रोनाउंस करते हैं तो आप मेरे को कॉमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या बोलते हैं उसको. एंड नाउ एडियोस, एडियोस इज बाय, स्पेनिश में बाय को एडियोस बोलते हैं. सो एडियोस एंड ग्रेसियस, एज आई टेल यू, ग्रेसियस इज थैंक यू. सो ग्रेसियस, एडियोस, टी एमओ इज फॉर आई लव यू. सो आई लव यू ऑल, यू आर माई व्यूअर्स, माई प्यारे प्यारे व्यूअर्स. सो एडियोस. ओके, दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको थोड़ी बहुत नॉलेजेबल लगी हो, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी. सो आई गेस आपने थोड़ा तो स्पैनिश सीख ही लिया होगा. एक दो बार आप ट्राई करोगे देन यू विल. अगर आप और स्पैनिश सीखना चाहते हो या सिर्फ नॉर्मली कुछ वर्ड्स आप जानना चाहते हो उनको कैसे प्रोनाउंस करते हो, तो आप मेरे को कॉमेंट करो, मैं आपकी कॉमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी. मैं आपको बताऊँगी वो कैसे. अगर बहुत ज़्यादा सबको लगा ईगरनेस होगी, अगर इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न मोर स्पैनिश देन मैं इसका पार्ट टू भी ले आऊँगी इफ़ यू वॉन्ट. तो एक और चीज़, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, हिट द रेड सब्सक्राइब बटन एंड मेक इट क्लियर. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब करोगे. लाइक इट, कमेंट इट, शेयर इट.